हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं सुमित अरोड़ा एग्जामपुर एप्लीकेशन पर एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी अभी ऐप में क्लास ली थी तो एप्लीकेशन निकल गया, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आप सभी के लिए ईश्वर से बहुत बहुत ज्यादा प्रार्थना कि हे ईश्वर, जितने भी हमारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं वो सब हमेशा सकारात्मक रहें, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से लबरेज रहें और साथ में जल्द से जल्द उनको उनके टारगेट तक आप पहुंचाने में उनका सहयोग करें। तो ठीक है, ये आप लोगों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत कामना है ताकि आप जल्द से जल्द अपनी सफलता की रैंकिंग को लगा सकें। हम हैं एग्जामपुर, दैट इज कलम से क्रांति, दैट इज अ कलम और क्रांति करोगे तुम लोग। ठीक है सर, हिंदी क्लास कुछ शुरू नहीं हो रही है। राज सर भाई, राज भाई बिल्कुल चालू हो रही है, ध्यान में रखिएगा, बहुत जल्दी चालू हो रही है, डोंट वरी। जीवन जाट भाई बहुत बहुत जय हिंद है आपको। बाबू मुझे आशीर्वाद दे दो सर। अरे बहुत बहुत यार, मैं पहले ही आते आते तुम लोगों के लिए सबसे पहले ईश्वर से कामना करता हूँ, इसीलिए कामना करता हूँ कि जितने भी छोटे भाई बहन जुड़े हैं वो जल्द से जल्द सिलेक्ट हों। मलिक साहब हाय शिवानी, अरे मेरा नाम शिवानी नहीं है, नाम तो तुमने बिल्कुल सही लिखा है, शिवानी लिखा है, लेकिन वो डियर सिस्टर है, मेरा नाम सुमित है, तो वहां पे प्लीज एक बार सुमित भी लिख देना। ठीक है मलिक साहब, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। प्रदीप तिवारी भाई, अभिषेक, अच्छा अच्छा ठीक है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज क्यों नहीं आ रही है? आवाज बिल्कुल आ रही है राज भाई, आवाज आ रही है। भैया प्लीज बताइए आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, प्लीज बताइए आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। प्रयाल गौतम जी बहुत बहुत खुश रहिए डियर, बहुत बहुत खुश रहिए आप। और ये है आपके सामने एसएससी सीजीएल 2.0 जो अपनी स्पीड से भाग रहा है, क्योंकि पूरी स्ट्रक्चर तैयारी है। ध्यान में रखिएगा, कभी भी किसी भी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए उसका स्ट्रक्चर तैयारी करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हाँ भैया प्लीज वॉल्यूम को इंक्रीज कर लीजिए। ठीक है, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग आकांक्षा जी, बहुत बहुत गुड इवनिंग है। तो चलिए भाई, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कल्पना जी, पापा की किट्टू, बहुत बहुत गुड इवनिंग है डियर सिस्टर आपको भी। तो भाई ठीक है, आज के हम लोग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और आप सभी के लिए आज का ध्यान में रखिएगा, ये जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी कॉपी में एज इट इज रिटन फॉर्मेट में होने चाहिए, ध्यान में रखिएगा प्लीज। ठीक है, तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, क्या लिखा हुआ है? भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु के मामले में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा कौन? कार्य करेगा, क्या लगता है आंसर बताइए प्लीज, क्या लगता है आंसर, कौन कार्य करता है? आप प्रेम तर्पे जी, हेलो सर, बिल्कुल बिल्कुल, हेलो हेलो भाई, क्या बताएं भाई, क्या बताऊं, मुझे आइडिया नहीं है डियर, मुझे आइडिया डियर नहीं है। ठीक है प्रदीप भाई, मुझे आइडिया नहीं है, आप कम से कम पहले इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। हाँ बहुत बढ़िया, विवेक कुमार जी वेरी गुड, अनिश ठाकुर, प्रयाल गौतम, दीपिका त्रिपाठी जी, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग डियर सिस्टर। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, बहुत बढ़िया आंसर लिखा, क्योंकि भाई वही है जिन्होंने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी के हटने के बाद किसकी सर क्या कहते हैं सीजीआई ने पद को संभाला था, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो क्या हो जाएगा आंसर सर? भारत के मुख्य न्यायाधीश इज द राइट आंसर, भारत के मुख्य न्यायाधीश इज द राइट आंसर। और महान्यायवादी कौन होता है? तो भैया आर्टिकल 76 में लिखा है भारत का सर्वोच्च विधिक सलाहकार, भारत का सर्वोच्च क्या है ये सर? लीगल ऑफिसर है, क्या है? सर्वोच्च विधिक सलाहकार है, प्रधानमंत्री जी का एक प्रकार से मान सकते हो क्या? एडवोकेट, सबसे बड़ा एडवोकेट कौन होता है? तो सबसे बड़ा एडवोकेट सर ये महान्यायवादी होता है,
जिसको नियुक्त कौन करता है? सर भारत के राष्ट्रपति महोदय इसको नियुक्त करते हैं। ऐसा आदमी होता है महान्यायवादी, ऐसा आदमी होता है जो संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, संसद के दोनों सदनों में बोल सकता है, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन संसद में मतदान नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? सर मतदान नहीं कर सकता है, क्योंकि ये संसद का पार्ट नहीं होता है। इसीलिए आपसे हमेशा पूछा जाता है, क्या ये इंसान जो होता है क्या संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल ले सकता है। पूछेगा क्या संसद की बैठकों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? सर बिल्कुल ले सकता है। क्या संसद में इसे बोलने का अधिकार होता है? सर बिल्कुल होता है। लेकिन क्या मतदान का अधिकार होता है? संसद का सदस्य नहीं होने के कारण इसको मतदान का अधिकार नहीं होता है। बहुत बढ़िया। जेठाराम बेनीवाल बारमेर भाई, भाई राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करता है। क्या? ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। मतलब जब तक प्रसाद मिलता रहेगा तो ग्रहण करेगा। जिस दिन प्रधानमंत्री का मूड खराब हुआ, इसको हटवा देंगे, राष्ट्रपति को बोलेंगे इसको हटाओ, फटाक से तुरंत हट जाएगा। इसीलिए जब भी सरकार चेंज होती है, जब भी सरकार चेंज होती है तो ऐसा मान लिया जाता है महान्यायवादी तुरंत चेंज हो जाएगा, नहीं तो इस्तीफा दे देगा और कहेगा मैं चला अपने घर। साक्षी गुप्ता जी बहुत बहुत राधे राधे है आपको, जय जय श्री राधे कृष्णा, और हमेशा राधा कृष्ण की आप पर हमेशा कृपा बनी रहे। नीरज गुप्ता भाई बहुत बहुत खुश रहो, जल्द से जल्द सिलेक्शन हो आपका। दानिश तैमूर भाई बहुत जल्दी सिलेक्ट हो, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, ठीक है, वेरी गुड। तो भैया इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसी के कंपैरिजन में राज्यों में कौन होता है? तो आपको मालूम है सर, राज्यों में एडवोकेट जनरल होता है, जिसको आप महाधिवक्ता के नाम से जानते हो, महाधिवक्ता के नाम से जानते हो, जिसका आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल 165, और उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो इसको राज्यपाल नियुक्त करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट डीवाई चंद्रचूड़ साहब बन रहे हैं, और चंद्रचूड़ बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा जरूर, ये गारंटी है, क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। 50वें एक तो बनने जा रहे हैं सीजीआई, इनके फादर जो है वो भी सीजीआई रह चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम पंथ के प्रमुख प्रकाश संत कवि कौन थे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, या रामचरित मानस कविता भी लिखी थी? द लीडिंग लाइट ऑफ द रामा कल्ट वॉज सेंट पोट पोएट हु ऑल्सो रोट द पोएम रामचरितमानस। मिशन यूपीएसआई भाई बहुत बहुत खुश रहो डियर। प्रेम तारपे जी भाई बहुत बहुत खुश रहो डियर। लक्ष्मी जी बहुत बहुत खुश रहिए डियर। मृदुल कमल भाई बहुत बहुत खुश रहो यार। प्रयाल गौतम भाई कह रहे हैं सी, आहा बहुत अच्छे, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। ओके ओके, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है, दैट इज तुलसीदास इज द राइट आंसर, तुलसीदास इज द राइट आंसर। वल्लभाचार्य ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? तो सर शुद्धा द्वैतवाद। इनका कौन सा द्वैतवाद है? शुद्धा द्वैतवाद इन्हीं का है, ठीक है, वल्लभाचार्य का। निम्बार्काचार्य का क्या है ये लोग तुम कमेंट में बताना। चैतन्य का मैं बता देता हूं, बंगाल के कृष्ण भीम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल के कृष्ण भीम को कहा जाता है। कीर्तन प्रणाली चालू करने वाले यही इंसान है क्या? संकीर्तन प्रणाली भक्ति आंदोलन में संकीर्तन प्रणाली को चालू करने वाले कौन से संत रहे हैं? सर संकीर्तन प्रणाली या कीर्तन प्रणाली को चालू करने वाले सर आपके चैतन्य महाप्रभु रहे हैं, जिन्हें बंगाल के कृष्ण के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। निम्बार्काचार्य का क्या है भैया? शुद्धा द्वैतवाद मेरे दोस्त वल्लभाचार्य का है,
निंबार्काचार्य का क्या है? निंबार्काचार्य का लिखिए क्या है? मध्वाचार्य ने तो द्वैतवाद आया था मध्वाचार्य का। शंकराचार्य का क्या है? शंकराचार्य का अद्वैतवाद है। मध्वाचार्य का द्वैतवाद है। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है। निंबार्काचार्य का क्या है? द्वैताद्वैतवाद। बहुत बढ़िया, एडीवाईटी, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं जीवन जाट भाई, बहुत अच्छे आपने लिखा, यही बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, द्वैताद्वैतवाद, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन में कीर्तन प्रणाली कौन लाया? तो चैतन्य महाप्रभु लाए थे, इस चीज को याद रखिएगा, कृष्ण के भक्त थे। पक्षियों द्वारा परागण क्या कहलाता है? पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? क्या लगता है भाई आंसर? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, सच्ची लूजर जी आपकी कॉल आ रही है, प्लीज आप जाके अटेंड करें। क्या लग रहा है? बी आंसर दिया जा रहा है, एंटमोफिली। अच्छा अच्छा मेरे दोस्त, मैंने तुमको ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी कराया हुआ है, वहां मैंने कहा था स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहलाता है, तो भैया मेरा वहां ऑर्निथोलॉजी आंसर था। क्या था? ऑर्निथोलॉजी आंसर था। फिर मैंने बताया था सर स्टडी ऑफ इंसेक्ट क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट क्या कहलाता है, तो वहां पर आंसर था सर एंटमोलॉजी। क्या था? एंटमोलॉजी। फिर मैंने तुमको यह भी कराया था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा आंसर? नहीं नहीं ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी और ऑर्निथोफिली, मतलब बर्ड्स जब पॉलिनेशन करती हैं तो क्या कहलाता है? ऑर्निथोफिली। और जब इंसेक्ट, इंसेक्ट कीट, जब कीट इंसेक्ट, इंसेक्ट जब आपके पॉलिनेशन करते हैं तब वो क्या कहलाता है सर? एंटीमोफिली, एंटीमोफिली कहलाता है। और जब पॉलिनेशन कौन करता है? पॉलिनेशन हवा के द्वारा होता है या विंड के द्वारा होता है? क्या सर? परागण, परागण बोले तो जब विंड के द्वारा होता है तो एनीमोफिली कहलाता है। फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा एनीमोमीटर, वायु के वेग को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? सर एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। और एनीमोमीटर से ही बना क्या है? एनीमोफिली। जब वायु के द्वारा परागण किया जाता है तो क्या हो जाएगा? एनीमोफिली। और ऑटोगैमी का मतलब क्या है मेरे दोस्त? इसका मतलब होता है, ऑटो मतलब क्या होता है? स्व। गैमी का मतलब क्या हुआ? परागण। तो मेरे दोस्त जब स्व परागण हो जाए, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो फिर क्या आ जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर, स्व परागण। तो इसका फिर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा आंसर? तो चारों को बिल्कुल याद रखिए, बिल्कुल, वेरी गुड। यही होता है तरीका जब एक को दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है। एनीमोमीटर वायु वेग मापने के लिए यूज किया जाता है, एनीमोफिली किसमें आ जाएगा? वायु के द्वारा पॉलिनेशन करने के लिए। ऑटो का मतलब क्या होता है? सुना है ना, एक कार होती है जो ऑटो होती है, जैसे बटन दबाते हो अपने आप चालू हो जाती है। तो ऑटोगैमी का मतलब क्या सर? ऑटोगैमी का मतलब स्व परागण।
तो अपने आप परागण हो जाता है। उसी प्रकार एंटमो का मतलब क्या हो गया, एंटमोलॉजी होती है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटमोलॉजी। और एंटमोफिली का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ एंटमोफिली का मतलब क्या हो गया, कीटों के द्वारा जो पॉलिनेशन किया जाता है, परागण किया जाता है, वो हो जाएगा एंटमोफिली। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। जबकि ऑर्निथोफिली का मतलब क्या हो गया, पक्षियों के द्वारा जो परागण किया जाता है वो क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। तो चारों को अपने आप दिमाग में रखना भाई, BMW भी ऑटो स्टार्ट होती है, परागण बिल्कुल सही है, ऑडी भी हो रही है, आप तो नॉर्मल नॉर्मल कार्य हो रही है भाई मेरे, बहुत अच्छे सलीम अली, वेरी गुड। तो मेरे भाई इस तरीके से तैयारी करो, अगर वाकई आप CGL में अपनी रैंक लगाना चाहते हो तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी ही पड़ेगी। इस बात की आप लिखित मुझसे जानकारी ले लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और मैंने ऐसा नहीं है कि ये पहले क्वेश्चन आपको नहीं कराया है, मैंने दूसरे फॉर्म में आपको क्वेश्चन कराया था जिसमें स्टडी वाला शब्द आया था, तो एक दूसरे कैसे कनेक्ट होते आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आरू जी बहुत बहुत गुड इवनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी किसके कारण होती है, सुनामी वो क्वेश्चन करो जो वाकई तुम्हारे क्या कहते हैं एग्जाम से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं। फालतू सरल क्वेश्चन करने की कोई नीड नहीं होती है, जो एक्चुअल में एग्जाम से तुमसे पूछे जाते हैं उसकी ही तुमको प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर रैंक लगानी है तो। निरंजन कुमार जी गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। टारगेट भाई कह रहे हैं डी, टारगेट जी कह रहे सी, अच्छा क्या लिखा है, सुनामी किसके कारण होती है, एक चट्टान भूमिगत अचानक टूट जाए, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण, पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि कारण, या तेज हवाएं पानी को तट पर चलाती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सत्येंद्र प्रताप सिंह, नीरज गुप्ता भाई, कल्पना जी, रंजीत सिंह, मयंक कुमार, सौरभ भाई, राजेश कुमार, अभी यादव, सौम्या कुमारी जी, रेखा देवी जी, साक्षी गुप्ता जी, भारती भारद्वाज जी, डी नहीं होगा डियर, क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। भैया ऐसा एक क्वेश्चन आपको याद होगा जब मैंने आपको कराया था 2004 में, जो इंडोनेशिया में सुनामी आई थी, कहां पर आई थी सर, इंडोनेशिया में सुनामी आई थी, उसके कारण भारत का अंडमान निकोबार से लेकर के तमिलनाडु बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। ये पानी में आती है, समुद्र के अंदर आती है, और समुद्र के अंदर या तो ज्वालामुखी फट जाए तो सुनामी क्रिएट हो सकती है, या समुद्र के नीचे जो प्लेटें होती हैं आपस में टकराएं तो जो भूकंप जनरेट होता है उस भूकंप के कारण भी सुनामी जनरेट हो सकती है। कभी कभी आप देखते हैं उल्का पिंड गिर जाते हैं आकर के, तो उल्का पिंड भी अगर गिर गए तो भी वो क्रिएट कर देगी क्या, सुनामी। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान राम पर ध्यान केंद्रित करने वाले भक्ति आंदोलन के नेता कौन थे, द लीडर ऑफ द भक्ति मूवमेंट फोकसिंग ऑन लॉर्ड रामा वॉज नामदेव, जयदेव, रामानंदा, विवेकानंदा, क्या लगता है आंसर। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नीरज गुप्ता भाई, मयंक कुमार जी, विकास मौर्य जी, आरू जी, जीवन जाट, प्रयाल गौतम, शाहरुख खान भाई हमारे हैं, विवेक कुमार जी, अभी यादव जी, बिल्कुल सही है, दैट इज रामानंदा इज द राइट आंसर। ठीक है, भक्ति को दक्षिण भारत से, भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाले संत कौन थे, भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाले संत कौन थे, ठीक है।
कौन थे? सर रामानंद थे। ध्यान में रखिएगा, भक्ति का जो जन्म हुआ है वो दक्षिण भारत में हुआ है, उत्तर भारत में नहीं माना जाता है। तो भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाले कौन थे? तो सर रामानंदा थे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे। बाल किस विटामिन की कमी से झड़ते हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो यार। जीवन जाट भाई, आप पूछ रहे हैं बाल किसकी कमी से झड़ते हैं। डियर, विटामिन ए की कमी से भी बाल झड़ते हैं, विटामिन बी सेवन की कमी से भी बाल झड़ते हैं, विटामिन सी की कमी से भी बाल झड़ते हैं, और विटामिन की बजाय जेनेटिक कारण भी होते हैं जिसके कारण बाल झड़ जाते हैं, यह भी होता है। ठीक है, अगर बालों को झड़ने से रोकना है तो मैं आपको एक चीज साफ साफ बता दे रहा हूं, अगर बालों को झड़ने से रोकना है तो मैं आपको एक चीज साफ साफ बता दे रहा हूं, सोयाबीन आता है, सोयाबीन के जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, वो प्रोटीन से भरे होते हैं। मेरे दोस्त 10 दिन खा लेना, पहली बात तो उसे ऐसे तुम खा नहीं पाओगे, तुम्हें दिक्कत होगी, तो चने के साथ उसको मिला करके खाना, रात में भिगो देना और सुबह उसको निकालना, चने में मिला लेना, खा लेना, येलो कलर के छोटे छोटे दाने तुमको दिखाई देंगे भाई मेरा, उसको खा लो, तुम्हारे बालों का झड़ना अपने आप रुक जाएगा और ग्रोथ भी हो जाएगी। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इसी बात में आंसर भी आ गया, दैट इज कन्याकुमारी इज द राइट आंसर, कन्याकुमारी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ब्लड की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देती है? कौन सी गैस ब्लड में, कोई ऑयल की जरूरत नहीं है, तुम नॉर्मल जो लगाते हो तुम लगाओ, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक अंदर से ताकत नहीं होगी तब तक चाहे तुम दूध लगा लो चाहे घी लगा लो सर में, उससे काम बनता नहीं है। ठीक है, तो भैया वो दाने जरूर खाओ जो बता रहा हूं सोयाबीन के, आपके बाल अपने आप क्या कहते हैं मस्त हो जाएंगे। ठीक है, नहीं तो भी अगर ज्यादा अगर तुम्हें कुछ बालों से संबंधित समस्या हो तो मुझसे विद्या बालन जी का नंबर ले लेना, तो वो तुमको बढ़िया क्या कहते हैं, रामदेव जी का नंबर ले लेना मुझसे, तो तुमको बकायदा निहार शांति आंवला और पतंजलि केश कांति के बारे में सजेस्ट कर देंगे। ठीक है, हाँ अब आ जाओ, हो गया, इधर ध्यान दो, कौन सी गैस है जो ब्लड में ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देती है? मेरे दोस्त ये क्वेश्चन घूम करके आया है, तुमने परसों भी ऐसा क्वेश्चन किया था, क्योंकि अब मैं तुमको बताने वाला हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से 350 गुना ज्यादा सक्रिय होती है। बहुत बढ़िया टारगेट भाई, बिल्कुल सही लिखा है टारगेट भाई ने। मेरे दोस्त याद रखना, तुमने ये वाला क्वेश्चन किया था कि हीमोग्लोबिन क्या होता है? सर ऑक्सीजन को कैरिंग करने वाला एजेंट भी होता है, विशेष रूप से बॉडी में ऑक्सीजन को कैरिंग करने वाला कौन है? हीमोग्लोबिन सर एजेंट है, और मेरे दोस्त आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन विशेष रूप से होना चाहिए, आप जान ही रहे हैं इस चीज को, लेकिन अगर ऑक्सीजन के बजाय अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई तो मेरे दोस्त याद रखना, ये दोनों क्या मिलकर के बना देंगे सर? ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देंगे। क्या बना देंगे? ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देंगे। अल्टीमेट क्या हो जाएगी? इंसान की डेथ हो जाएगी। ये बहुत हैजार्डस होता है क्या? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपकी श्वास नलिका को ये चोक कर देगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अपने आप डेड होगी
और इंसान अल्टीमेट डेड हो जाएगा। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा और अल्टीमेट क्या होगा, दिक्कत। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ ओके, ठीक है। तो याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा आपको हार्म नहीं करती है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मार्बल कैंसर क्या है, मार्बल कैंसर क्या है? मार्बल कैंसर क्या है? बिल्कुल सही है, सी हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। संगमरमर की खदानों के कारण मिट्टी का क्षरण, खानों में काम करने वाले मानव में कैंसर, संगमरमर की खदानों से पशुओं में होने वाली बीमारी, अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर का क्षरण, क्या लगता है, क्या क्वेश्चन दे रहा है आपको सीजीएल वाले, समझ लीजिए। टारगेट भाई कह रहे हैं डी आंसर, श्वेता यादव जी कह रही है डी, सोनम जी कह रही है डी, मलिक साहब सर रसमलाई को ब्लॉक कर दो, पागल हो गए क्या, रसमलाई कैसे यार ब्लॉक कर दें यार, कौन रसमलाई, क्या मतलब किसी का नाम है क्या? अच्छा मैं ये कह रहा हूँ तुम खाने के लिए मना कर रहे हो, अच्छा अच्छा भाई देखो रसमलाई जी प्लीज गलत वलत मत बोलो यार, छोड़ो हटाओ, ठीक है, पढ़ाई में ध्यान दो प्लीज। डी आंसर दे रहा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर का क्षरण, अम्लीय कोरोजन ऑफ मार्बल ड्यू टू एसिड रेन, और एसिड रेन किस केमिकल के कारण होती है सर, सल्फ्यूरिक एसिड और सर HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड प्लस हटा दो भैया, दोनों मिले नहीं रहते हैं, क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है और नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, मार्बल कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जाट और सवार, वैसे इसका नाम जाट नहीं मेरे दोस्त, जात होता है, जात और सवार होता है यार, जाट और सवार शब्द निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है, जोतेदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, इक्तादारी सिस्टम या मनसबदारी सिस्टम? बिल्कुल 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 बिल्कुल, इमारतों को कुष्ठ रोगी भी कहते हैं, बहुत अच्छे। गुलाब जामुन नहीं आया, अरे इधर ध्यान दो भाई, छोड़ो गुलाब जामुन को, सोचो जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन गुलाब जामुन से तुम लाद दिए जाओगे, समझ रहे हो, तो दिमाग इधर लगाओ। बहुत बढ़िया आरव चौहान भाई, बिल्कुल सही है, मनसबदारी इज द राइट आंसर, और आपको मालूम है मनसबदारी मुगलों के द्वारा आरंभ की गई थी, सर मंगोलों के द्वारा भी की गई थी, समझ रहे हैं, दशमलव पद्धति पर आरंभ थी ये, तो याद रखिएगा। इक्तादारी सिस्टम सर किसने लागू की थी, सर इल्तुतमिश। सर जात क्या होता था, तो भैया ध्यान में रखिएगा, जात किसी भी व्यक्ति के पद को बताती थी, उसकी सैलरी को बताती थी, उसके औकात को बताती थी, वो कितने हाई रैंक का अधिकारी है। और सवार क्या बताता था, तो सवार सर होता था कि वो अधिकारी कितने घुड़सवार रख सकता है, कितने घुड़सवार रख सकता है, ये सवार बताता था। लेकिन जो जात होता था सर, वो पद को बताता था सर, वो सैलरी बताता था। रॉकी कश्यप भाई थैंक यू, ठीक है बिल्कुल खाएंगे, बस सेलेक्ट हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता उन्मूलन को शामिल किया गया है, विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? सीजीएल का लास्ट मंथ चल रहा है एग्जाम, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर करवा दीजिए। गोल्डी ठाकुर भाई तुम क्वेश्चन तो करो मेरे दोस्त,
इक्तादारी प्रणाली क्या है, इल्तुतमिश ने चालू की थी। चलिए किसी दिन लेते हैं इक्तादारी को भी। आकाश यादव भाई बहुत बहुत थैंक यू। डी आंसर होगा धर्मेंद्र कुंतल भाई हमारे कह रहे हैं, कल्पना जी कह रहे हैं सी आंसर होगा, प्रयाल गौतम भाई 14-18। समानता का अधिकार 14-18 में है, 17 में है अस्पृश्यता, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। अस्पृश्यता किसमें है सर? 17 में है। और आपको मालूम है आज की करंट न्यूज क्या है कि EWS का जो आरक्षण है वो क्या हो गया है, वो बिल्कुल वैलिड हो गया है। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कर दिया है कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया जाएगा वो बिल्कुल सही है। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था सर? 103वां संविधान संशोधन किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। और इसके द्वारा किस आर्टिकल में संशोधन किया गया था? तो भैया आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में आरक्षण से संबंधित संशोधन किया गया है, जो कि आपके राइट टू इक्वालिटी से संबंधित है। समझ रहे बात को, कैसे करंट अफेयर लिंक हो जाती है चीजें अपने आप। आज की न्यूज है ये, बिल्कुल 103वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 में संशोधन किया गया था। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। विदेशी क्षेत्राधिकार भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? यूनियन, स्टेट, ग्लोबल या कॉन्करेंट? कॉन्करेंट कहां से लिया आपने सर? ऑस्ट्रेलिया से। तो किसमें शामिल होगा? रेखा देवी जी बिल्कुल सही है आप डियर। टारगेट भाई आंसर कह रहे हैं डी, प्रयाल गौतम जी कह रहे हैं डी, टारगेट भी कह रहे हैं डी, गोल्डी ठाकुर भी कह रहे हैं डी। सर आपको सर्दी लग रही है, हरियाणा में तो गर्मी है। मैंने कब कहा कि मुझे सर्दी लग रही है? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, सर्दी लग रही है। डी होगा, 100% आंसर दे दिया आरू जी ने, वेरी गुड भाई। देखो मैं इतनी देर से यहां घूम रहा हूं क्योंकि वाकई में अभी आंसर सही नहीं आया है। बिल्कुल टारगेट भाई, अवशेष शक्तिया कनाडा से है, आर्टिकल 248। अभी आंसर सही नहीं आया है, अपने आंसर को बदलिए। मोदी जी जाते हैं कहां पर सर? चाहे कॉप का एग्रीमेंट हो, चाहे अमेरिका में भाषण देना हो, चाहे जर्मनी में भाषण देना हो, तो मोदी जी वहां दिखाई देते हैं आपको। कभी आपने देखा है योगी बाबा जा रहे हो वहां पर जाकर के अपना मोर्चा संभाल रहे हो? सर यूनियन का मामला है ये, यूनियन का मामला है, फॉरेन ज्यूरिडिक्शन की बात हो रही है। और भारत सरकार 2 केस हारी है फॉरेन ज्यूरिडिक्शन में हाल में, एक केयर्न एनर्जी से हारी है और दूसरा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स से संबंधित हारी है। बहुत बढ़िया, ए आंसर हो जाएगा भैया, ग्लोबल नहीं होगा। यह तो ग्लोबल तुमको कंफ्यूजन के कारण दे रहा है, जब 3 लिस्ट है तुम्हारे में तो ग्लोबल लिस्ट ही नहीं है तुम्हारे में। 3 लिस्ट दी गई है 7वीं अनुसूची में, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, उसी में आएगा आंसर। ग्लोबल हो ही नहीं सकता, कोई लिस्ट ही नहीं है हमारे में। अनिल कुमार जी आज वाकई तबीयत नहीं सही थी इसीलिए मैं क्लास नहीं ले पाया, लेकिन शाम को अभी भी आया हूं तो दवाई खा करके ही आया हूं। और आप देख भी रहे होंगे शर्ट भी है अंदर, जैकेट भी पूरी तरीके से बंद है, तो इसीलिए तबीयत नहीं ठीक है, फीवर है इस समय मुझे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु बाजार में एक संरचना होती है, यदि वस्तु का एक विक्रेता है तो वस्तु का कोई विकल्प नहीं है और किसी अन्य फर्म द्वारा उद्योग में प्रवेश करने को रोका जाता है। क्या लगता है
नहीं साक्षी गुप्ता जी, दवा ली है, बिल्कुल ली है। एकाधिकार, बहुत अच्छे, वेरी गुड। मोनोपोली इज द राइट आंसर, दैट इज एकाधिकार, बिल्कुल सही है। और ऑलिगोपोली क्या होता है? ये मेरे दोस्त अल्पाधिकार होता है। क्या होता है? अल्पाधिकार होता है, मतलब किसी मार्केट में कुछ विक्रेता होंगे। इस चीज को याद रखिएगा, मार्केट में केवल कुछ नंबर में विक्रेता होंगे और कुछ उत्पादक होंगे, या स्मॉल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर एंड ए स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स। समझ गए? वेरी गुड। ड्यूओपोली में आप जान रहे हो दो लोग हो जाएंगे, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सोच करके आंसर दीजिएगा इसको। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, याद रखिएगा प्लीज। तो बहुत सोच करके इसके आंसर को दीजिएगा, कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर देगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। सर सल्फाज ले लो, ठीक हो जाओगे, गारंटी है मेरी। मेरे दोस्त, आपसे हाथ जोड़ के बहुत बहुत रिक्वेस्ट है मेरी, अपने दुश्मन को भी कभी आप इस तरीके की राय मत दीजिएगा। आप एक अधिकारी बनने वाले हो, शायद यहाँ पर कुछ छोटे भाई बहन होंगे शायद, जो आपने मुझे रिकमेंड किया है, यहाँ पर देख करके कहो, उनको अगर नॉलेज ना हो तो वो किसी दूसरे को रिकमेंड कर दें। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे बहुत बहुत गुजारिश है कि आप अपने दुश्मन को भी ऐसी राय मत दीजिएगा। क्या लगता है? कल्पना देवी जी कह रही है ए आंसर, एस के वाई ए, और कोई बात नहीं। आरू जी कह रही है कोई बात नहीं। मेरे दोस्त याद रखो, यहां पे क्या कह रहा है, मिट्टी का निर्माण में अपक्षय और क्षरण की दर को प्रभावित करता है। मेरे दोस्त, जहां पर क्लाइमेट जैसी होगी वहां पे वैसे ही तो मिट्टी बनेगी। उत्तर भारत में क्लाइमेट अलग है, तो आपको देखते हो जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी आपको दिखाई देती है। दक्षिण भारत की क्लाइमेट अलग है, वहां पर आपको दिखाई पड़ेगी कौन सी, लैटेराइट मिट्टी दिखाई पड़ेगी। महाराष्ट्र की अलग है, वहां कुछ अलग मिट्टी। राजस्थान की अलग है क्लाइमेट, वहां की कुछ अलग मिट्टी दिखाई पड़ेगी। रशिया की कुछ अलग मिट्टी दिखाई देगी, दक्षिण अमेरिका की कुछ अलग मिट्टी आपको दिखाई देगी। समझ रहे ना बात को? अप्पू गौड़ा भाई ध्यान में रखो, ये एसएससी की बैच चल रहा है और जो तुम्हारा पेपर लेता है वो एसएससी कमीशन ही है मेरे दोस्त। तो ज्योग्राफी चेंज नहीं होने वाली कभी, हिस्ट्री चेंज होने वाली नहीं है। स्पेशल तुम जब दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे तब भी ऐसे क्वेश्चन करोगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो भी ये क्वेश्चन करोगे। तो इन क्वेश्चनों से पार थोड़ी नहीं तुम्हारा पाओगे यार। तो अगर ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो तो ये तुमको कहीं ना कहीं मजबूत बना देंगे और इस बात की गारंटी है कि तुम वहां पर बहुत अच्छा पेपर तोड़ दोगे, ठीक है ना? ये चीज ध्यान में रखिए। तो क्या हो जाएगा आंसर? सर जैसी जलवायु होगी वैसी ही तो हमारी मिट्टी भी तय होगी, ठीक है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गिट्यूड ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन, भारत की मुख्य भूमि के देशांतर किसके बीच में फैले हुए हैं? ताप दाब जलवायु परिवर्तन के साथ चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण हुआ है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अरे कोई बात नहीं गोल्डी ठाकुर जी, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उस बात को। बहुत बढ़िया, वेरी गुड अप्पू गौड़ा, बहुत अच्छे अप्पू गौड़ा भाई। दीपिका त्रिपाठी जी बिल्कुल सही हैं। आइए आइए प्लीज इस आंसर को दीजिए। सर डी आंसर दिया जा रहा है टारगेट भाई के द्वारा। ओके ओके, रॉकी कश्यप भाई भी डी दे रहे हैं। अब देख लीजिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इतना बेसिक क्वेश्चन है, कहीं से भी उठा करके आपसे सामने रखा जा सकता है। केवल उसने आपसे ये पूछा है कि भारत किस देशांतर के बीच में आता है, इसीलिए मैंने एग्जामपुर एसएससी चैनल पर आपकी विशेष स्पेशल एक दिन का डेमो क्लास लिया था। एक बार जरूर जाकर के उसको देख लीजिएगा, आपका बेसिक आपकी चुटकियों में अपने आप चला आएगा। मेरे दोस्त बहुत सारे बच्चे देखिए इस पे गलत आंसर दे रहे हैं। मेरे भाई ये होता है भारत,
भाई मेरे यहां से देखो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के अरुणाचल का कीबीथू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है, जिसके बीच में सर 2 घंटे का अंतर है। और यहां से आई है हमारी कौन सी 82.5 डिग्री ईस्ट। ईस्ट क्यों, मैंने आपको बताया भी था बेसिक में कि ईस्ट क्यों लिखते हैं, क्योंकि 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन जा रही है ग्रीनविच रेखा से, उसका इधर का पार्ट बन जाता है ईस्टर्न गोलार्ध और उसका उधर का पार्ट बनता है वेस्टर्न गोलार्ध। उसी प्रकार ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर को भी आपको दिखाया था 0 डिग्री पे और बताया था कि इक्वेटर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है, लैटिट्यूड अक्षांश रेखाएं, और उसका ऊपर का पार्ट उत्तरी गोलार्ध, नीचे का पार्ट दक्षिणी गोलार्ध बन जाता है। अब आप इस चीज को जरूर देखिएगा। आप देखिए यह क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है, अब आपको यहीं से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि बेसिक कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब घर जाकर के, घर को भी छोड़ो, कमेंट बॉक्स में मुझको ये लिख करके बताना कि भारत जो है भैया कितने डिग्री लैटिट्यूड से लेके कितने डिग्री लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, मुझको ये बता देना कितने डिग्री लैटिट्यूड से कितने डिग्री लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। बहुत अच्छे प्रियंका यादव जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, एसएससी ऑफिसर 2.0 भाई इसीलिए कहते क्या है, स्ट्रक्चर्ड तैयारी बहुत जरूरी होती है। एक बार इंसान को पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड तैयारी जरूर करनी चाहिए, और एक बार आदमी तैयारी कर लेता है तो फिर उसको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है। 400+ घंटे 15 मॉक टेस्ट क्लास पीडीएफ डाउट सेशन टायर सेकेंड की पूरी तैयारी 6000+ क्वेश्चन 8 मंथ का करंट अफेयर 1-to-1 मेंटरशिप और उसके साथ साथ ₹500 की एक किताब पूरी तरीके से मुफ्त। नीरज गुज्जर भाई बहुत बहुत खुश रहो यार, ईश्वर आपको जल्द से जल्द सफल करे। सुमन सागर भाई जल्द से जल्द सफल हो, आप सभी के लिए मैं यही कामना करता हूं, ठीक है। और इसके साथ साथ एमटीएस का बैच भी चल रहा है, तो आप पूरी तरीके से स्ट्रक्चर तैयारी जो भी आपका दोस्त करना चाहे तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हो। नीरज गुज्जर भाई बहुत बहुत खुश रहो यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंद कहा जाता है। क्या लगता है भाई किसे कहा जाता होगा, जियाउद्दीन बरनी, अब्दुल रहीम खान खाना, अमीर खुसरो या मलिक मोहम्मद जैसी। क्या लगता है, सी किया गया, सी सी। बहुत अच्छे सोनम जी, वेरी गुड। मेन लैंड का भी लिख दीजिए प्लीज, ये आपने ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, सी 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 रोमन रीन भाई, बहुत अच्छे। अमीर खुसरो इज द राइट आंसर। बर्नी के बुक आप जानते हो क्या, सर फतवा है जहादारी और तारीखे फिरोजशाही। बहुत अच्छे, मलिक मोहम्मद जैसी की कौन सी है भैया, पद्मावत। ये पद्मावती जो देख के आए हो ये मलिक मोहम्मद जैसी की ही कल्पना है, मतलब इसी ने ही पूरी ये बुक लिखी है, पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण भारत की नृत्य शैली है। ये देखिए ये क्वेश्चन आया है और सीजीएल लेवल पर ये क्वेश्चन गिरा है, तो आप समझ लीजिए कठिन भी हो सकती है चीजें और सरल भी हो सकती है, लेकिन सरल बहुत गंभीर होती है गलत हो जाए तो। बिल्कुल एटा में जन्म हुआ था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल, मलिक काफूर के साथ गया था, वेरी गुड। कोई बात नहीं रोमन रीन भाई, कोई बात नहीं, खुश रहो यार, जल्द से जल्द सफल हो आप भी। हैरी किंग, बिल्कुल बिल्कुल, तोता खुश हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। हरजीत भाई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत खुश रहो यार। ए आंसर दिया जा रहा है, बिल्कुल सही है आप। कथक कली आपको मालूम है सर कहाँ का है, केरल का है, और केरल का ही एक और है दैट इज मोहिनी अट्टम,
और तमिलनाडु का सर भरतनाट्यम, कथक कहां का हो जाएगा सर यूपी का, ओडिशा का ओडिशी, मणिपुर का मणिपुरी और असम का क्या हो जाएगा सत्रिया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स का मुख्यालय कहां स्थित है? ब्रिक्स बोले तो BRICS, बी मतलब सर ब्राजील, आर मतलब सर रशिया, आई बोले तो सर इंडिया, सी बोले तो सर चाइना और एस बोले तो साउथ अफ्रीका। भैया कहां पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, बहुत बहुत खुश रहिए आप। पूछ रहा है हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स, क्या लगता है आंसर? बी दिया जा रहा है आंसर, कंफर्म भी लिख रहे हैं, ब्रुसेल्स और ब्राजील, ब्राजील, ब्राजील। सोनम जी कह रही हैं शंघाई, गोल्डी ठाकुर जी कह रहे हैं चाइना में। तो भाई जितने भी चाइना को कह रहे हो तुम लोग बिल्कुल 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 सही हो, शंघाई इज द राइट आंसर, शंघाई इज द राइट आंसर। भैया ब्रिक्स का ही क्या है सर? न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक किस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है? तो याद रखिएगा सर, न्यू डेवलपमेंट बैंक किसने बनाया है सर? ब्रिक्स कंट्रीज का ही क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक भी है। बिल्कुल हैरी किंग भाई, बिल्कुल सही है, शंघाई इज द राइट आंसर। ठीक, हाँ रॉकी कश्यप भाई, शंघाई इज द राइट आंसर। नीरज गुप्ता भाई वेरी गुड, खुशी चौधरी जी वेरी गुड डियर सिस्टर, अप्पू गौडा भाई सोच में मत पड़ो, ठीक है, शंघाई इज द राइट आंसर। श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? क्या लगता है भाई? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। भैया मेरे प्रेसिडेंट की बात कर रहा है ना कि तुमसे प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा है, तो भंडार नायके प्राइम मिनिस्टर थी मेरे दोस्त चंद्रिका कुमारतुंगा। कौन सर? चंद्रिका कुमारतुंगा, ठीक है भैया, आप याद रखिएगा प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। रोमन रीन भाई बहुत अच्छे, गोल्डी ठाकुर भाई। अब देख लो ये होते हैं बेसिक क्वेश्चन, मालूम है मुझे श्री माओ भंडार नायके दैट इज अ पीएम रही हैं सबसे पहली, हाँ तो चंद्रिका कुमारतुंगा को लेकर के आइए प्लीज, ठीक है, वेरी गुड। अरे यार ये हिंदी में कैसे नहीं है, हिंदी में नहीं लिखा, गलती हो गई, देखते हैं फिर भी क्या लिखा हुआ है। Which among the following building or monuments employed Islamic principle of construction and ornament in India? इनमें से कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जो इस्लामिक सिद्धांतों के अनुरूप पूरी तरीके से सही बनी है? इनमें से कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जो
इस्लामिक सिद्धांतों, किस पर सर, इस्लामिक सिद्धांतों के अनुकूल पूरी तरीके से बनी है, इस्लामिक सिद्धांतों के अनुकूल पूरी तरीके से बनी है। इनमें से कौन सी बिल्डिंग है? कुतुब मीनार, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, द टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश, अलाई दरवाजा। रोमन रीव्स भाई कह रहे हैं अलाई दरवाजा, ओके। खुशी चौधरी जी ने कहा अलाई दरवाजा, ठीक है। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? बी, ओके। रॉकी कश्यप भाई, आरू जी भी कह रहे हैं डी, हरजीत भाई कह रहे हैं बी, मयंक कुमार बी बी बी। तुक्का मारेंगे हम और बना देंगे क्या आंसर सर? बी को हम लोग राइट आंसर बना देंगे। भैया मेरे प्लीज ध्यान में रखिएगा, प्लीज ध्यान में रखिएगा कि भाई आंसर क्या है सर? अलाई दरवाजा जो है वो इस्लामिक सिद्धांतों के अनुकूल सबसे पूरी तरीके से पहली इस्लामिक इमारत मानी जाती है, जो कि पूरी तरीके से फॉलो करती है इस्लामिक सिद्धांतों को। तो ठीक है डियर सिस्टर और ब्रदर्स, आप सब मेरे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा, और ईश्वर से आप सभी के लिए बहुत बहुत कामना करता हूं। जो भी हो, ईश्वर, अल्लाह, नानक, ईसा मसीह, जो भी आप जिस भी देवता को मानते हो, सभी से आप लोग के लिए बहुत बहुत प्रार्थना है कि आप सदैव सकारात्मक रहें, अच्छी बातों को सीखें, एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करें, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से लबरेज रहें, साथ में जल्द से जल्द अपने सिलेक्शन को प्राप्त कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।